बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीने कराम, आज हम डिस्कस करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे फुजार में शमूलियत, हिजरा अस्वद को इसकी जगह रखने का शर्फ किसे हासिल हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हज़रत खदीजा से कैसे हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दौर के चंद वाक़यात में से एक जंगे फुजार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमूलियत है। आपके ताया ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब बनी हाशिम के इल्मबरदार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पहलू बा पहलू इस जंग में शरीक हुए, इसलिए कि कुरैश इस जंग में हक पर थे। अगरचा इसकी सराहत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का खून नहीं बहाया, इसलिए कि सिर्फ कौमी या ख़ानदानी मामलात के लिए किसी इंसानी जान का लेना ये मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शायान ना था। इस जंग के बाद कुरैश के कुछ नौजवानों ने एक अहद किया जिसे हल्फुल फजूल के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने बाहमी मुआहिदा किया कि वो जालिम की मुखालफत करेंगे और मजलूम की हिमायत करेंगे, हक और सदाकत के रास्ते की तलकीन करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस हल्फ में शरीक हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में फरमाया करते थे कि अगर आज भी इस किस्म के किसी मुआहदे की तरफ से मुझे दावत दी जाए तो मैं इस पर लब्बैक कहूँगा। खाना काबा की तामीर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदब्बुर और फरासत का एक बहुत ही नादिर नमूना सामने आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू की। वजह ये थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची चारदीवारी की शक्ल में था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और इस पर छत ना थी। इस कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने इसके अंदर रखा हुआ ख़जाना चुरा लिया। इसके अलावा इसकी तामीर पर एक तवील ज़माना गुजर चुका था, अमारत खस्तगी का शिकार हो चुकी थी और दीवारें फट गई थी। इधर उसी साल एक ज़ोरदार सैलाब आया जिसके बहाव का रुख खाना काबा की तरफ था। इसके नतीजे में खाना काबा किसी भी लम्हे ढह सकता था, इसलिए कुरैश मजबूर हो गए कि इसका मर्तबा मुकाम बरकरार रखने के लिए इसे अज़्ज़ेसर नौ तामीर करें। इस मरहले पर कुरैश ने मुतफक्का फ़ैसला किया कि खाना काबा की तामीर सिर्फ और सिर्फ हलाल रकम से करेंगे, इसमें सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जब तामीर हिजरे अस्वद तक बुलंद हो चुकी तो ये झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि हिजरे अस्वद को इसकी जगह रखने का शर्फ किसे हासिल हो। ये झगड़ा 4-5 रोज़ तक जारी रहा और रफ्ता रफ्ता इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मालूम होता था कि सरजमीन हरम पे सख्त खून खराबा हो जाएगा। लेकिन अबू उमिया मखसूमी ने यह कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाज़े से दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल हो इस झगड़े का फ़ैसला इससे कराया जाए और सब इसका फ़ैसला मंजूर करें। तमाम कबाइल ने यह शर्त मंजूर कर ली अल्लाह की मशीयत के इसके बाद सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चीख पड़े कि ये अमीन हैं, हम इनसे राज़ी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मामले की तफसील मालूम होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की, बीच में हजरे अस्वद रखा और झगड़ने वाले कबाइल के सरदारों से कहा कि आप सब हजरात चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हिजरे अस्वद के मकाम तक पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हिजरे अस्वद को इसकी जगह मुकरर कर दिया। ये निहायत उम्दा फ़ैसला था और सारी कौम इस पर राज़ी हो गई। हुआ इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिला शुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक हसना की बुलंदियों पर फ़ाइज़ हैं।
कारोबार ही के ज़मन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से तय हुआ। इनका ये मामला भी, एक तरफ ये अरब की इंतहाई अजीज़ ख़ातून थी, चुनाचा रवायत में इसकी सराहत मिलती है कि जब कुरैश के काफ़िले सामान तिजारत लेकर जाते तो तनहा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान तिजारत बाकी तमाम लोगों के मजमू सामान से ज़्यादा होता था। फिर दूसरी तरफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की इफ़त व असमत और पाक दामनी का ये आलम था कि अरब के इस मुआशरे में भी इनको ताहिरा का ख़िताब दिया गया। कई बड़े बड़े सरदार और राइस हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी के ख्वाह थे, लेकिन इन्होंने किसी का पैगाम मंजूर ना किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और अतवार देखकर इन्होंने अपनी सहेली नफीसा बिनते मम्मा से बात की और उन्होंने जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए और अपने चाचाओं से इस मामले पर बात की। इन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चाचा से बात की और शादी का पैगाम दिया। इसके बाद शादी हो गई। निकाह में बनी हाशिम और रुसाए मिस्र शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में 20 ऊँट दिए। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी और वो दौलत और सूझबूझ के लिहाज से अपनी कौम की सबसे मुअज़्ज़ज़ और अफ़ज़ल ख़ातून थी। ये पहली ख़ातून थी जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई और इनकी वफ़ात तक किसी दूसरी ख़ातून से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी नहीं की। हज़रत इब्राहीम के अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद इन्हीं से हुई। सबसे पहले कासिम पैदा हुए, इन्हीं के नाम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू अल कासिम पड़ी। फिर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, फिर रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अब्दुल्ला पैदा हुए। अब्दुल्ला का लुक तैयब और ताहिर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बचपन में ही इंतकाल कर गए। अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का ज़माना पाया, मुसलमान हुई और हिजरत के शर्फ से मुशर्रफ हुई, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सिवा बाकी सब का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही हो गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 6 माह बाद हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये एक दौर भरपूर इंसानी ज़िंदगी का नक्शा पेश करता है। एक मोहब्बत करने वाली जान निसार और वफ़ादार बीवी रफ़ीका हयात हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन ज़ौजा मुतरमा से औलाद भी फरमाई। एक इंतहाई बाइज़्ज़त और बाफरागत ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसर फरमा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 वर्ष के लगभग हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत गज़ीनी महबूब हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में खलवत गज़ीनी इख्तियार फरमाते थे। हुब्बिबा इलैहिल खलाउ फकाना यखलू बिगौर हीरा। इस रवायत से मालूम होता है कि गारे हीरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे।